आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर। पटवारी जी, ओ पटवारी जी, कौन है? ओ, मैं हूँ मंगरू। आती हूँ, ठहरो ठहरो। पायला की पटवारी ताई? जीते रहो मंगरू। पटवारी जी घर में है क्या? वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राह भूले, बहू कैसी है? अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है। अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिली। कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना। लो वो आ गए। राम राम पटवारी जी, राम राम। आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब। जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी। अच्छा आओ आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है। जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शकल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है। भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना। जी, इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। न्योता? हाँ, कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही खाना है। नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर जाऊँ। ऐसा कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं हैं। तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है? अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है। हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन 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 क्या पटवारी जी? भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना। आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे पिताजी का 13वां था। और ये तुम्हारी बच्ची का नामकरण है। भाई मंगरू, तुम्हारे दिल जिगर को मान गए हम भाई, अपनी खुशी गमी में पूरे गांव को शामिल करना कभी नहीं भूलते तुम। पानी की तरह पैसा बहा देते हो। अरे पटवारी जी, यही एक बात तो पुरखों से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को क्या डरना। हाँ ठीक कहते हो मंगरू, ठीक बात कहते हो भाई, इसी दावत के बहाने दूर पास के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं। अच्छा वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना? रूप सिंह? हाँ हाँ रूप सिंह। छी 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 छी, अरे किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने पटवारी जी है? अरे उस चोटे को तो अब कोरट ही जेल की दावत देगी। तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा है? हाँ बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है समझो। मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके होगे। तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चू को नाको चने चबवा दूंगा। हाँ। अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते? सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की। देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं। अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते हैं सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा। अरे ओहो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम। अच्छा, राम राम। अच्छा राम राम भैया, राम राम। ओ कल शाम को दावत में जरूर आना। हाँ अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे। अरे भाई बाजे वाले,
जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू के यहाँ खुशी हुई है खुशी। तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं। अरे 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 तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे। अरे ओ फुलुआ, अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। काहे क्या हुआ भगवान? पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना। हाँ भाई कह आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे। मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है। ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। सच अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भगवान है, क्यों देखो नहीं? ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गांव आशीर्वाद देने आ रहा है मेरी लली। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं। अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है। अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ। भाग देना बहुत अच्छा, लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए। ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी। हाँ, जाओ, अच्छा, जाओ, मैं चाहती हूँ। अरे मंगरू, मंगरू वो क्या बात है माधो? अरे चौधरी जी आ गए हैं। हाँ? चौधरी जी? हाँ? देख मैं तो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा उन्हें। अच्छा मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है मैं भी आता हूँ। कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ। बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त पे आया। आइए आइए बिना जी, बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू। सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप मेरी रकम दे रहे हो ना जी, जी वो... क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो। मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे कि वो रुपए तो सब तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू। मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो। विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा। कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवा आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए, और अब तुम्हारी बच्ची। ओ चौधरी जी मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। धर्म से, धर्म से। बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। चौधरी जी मालिक, मालिक तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं 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 चौधरी जी नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए। उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। पटवारी जी, पटवारी जी। भैया अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पाँव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी? जी 3,000। ठीक है मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा। जी जी आप? हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूँ, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की। अच्छा भैया जय राम जी। पटवारी जी आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको। तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं? मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में। अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं। मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी। और एक भूल तुमने और भी की जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो। वो क्या पटवारी जी? देखो रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या गलती उसी की,
गलती उसी की पटवारी जी। लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो, और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी। तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी? देखो क्या करूँ, रूप सिंह से समझौता करो भैया। लेकिन लेकिन वो लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है ठीक ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा। कौन से रुपए भाई? वही वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे। उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू। काहे? वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे। मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो। अच्छा ये लो मंगरू। ये क्या कागज? ये कैसे कागज है, कैसे कागज है? मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर, जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं। अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे। लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी? क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है। अच्छा, वो किस तरह? वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है। अच्छा हाँ। अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है। अच्छा, कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं। 11,000? हाँ भाई। सच कह रहे हो पटवारी जी? हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ, और रुपया मिल जाने के बाद। अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और लेकिन अब फजूल खर्च मत करना। अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। हाँ, जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा। इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे। बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर। अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आ गए हैं, जल्दी तो चलिए। आ गए पंडित जी? हाँ, चलिए आइए पटवारी जी, आइए आइए। चलो। कागज के जेवर, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। कलाकार कमलाकर दाते, सीएम नागर, सुरेश चंद्र गौर, मोहिनी शर्मा और राज जोशी। ध्वनि संयोजक मनोहर सावे। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।